हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमर मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आपकी फरमाइश पे गाड़ियां लेके आ गए हैं। गाड़ी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 7 सीटर गाड़ी लेके आए हैं। जैसे आपकी डिमांड आती थी, अमर भाई गाड़ी लेके आओ, 7 सीटर लेके आओ, वही गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं। बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। अभी मैं आपको एक एक चीज इस गाड़ी की दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर मोटर में। देखिए, गाड़ी लेके आ गए हैं। जो गाड़ी रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 2015 मॉडल। ओवरऑल एक बार गाड़ी की कंडीशन देखे दोस्तों, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी रहने वाली है। और जो गाड़ी है दोस्तों, आपके फ्रेंडली बजट में गाड़ी लेके आए हैं। HR रजिस्ट्रेशन में गाड़ी रहने वाली है। नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी हमारी रहेगी। हल्का फुल्का स्क्रैच दिल्ली में चली है, हरियाणा में चली है दोस्तों, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर मोटर में। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो अपना। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। जो गाड़ी है 2015 मॉडल, मार्च महीने की रहने वाली है। 7 सीटर गाड़ी रहने वाली है। फैसिलिटी क्या मिलेंगी वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर सामने से बात करें तो प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप है वो ऑलरेडी गाड़ी में इंस्टॉल्ड कराए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। सो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल हेड लैंप रहने वाले हैं। हल्की फुल्की सी जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, माइनर सी जैसे बच्चों वाली स्क्रैचेस हैं गाड़ी पे, वो स्क्रैचेस जरूर देखने को मिलेंगी। एज इट इज गाड़ी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्तों कि भाई रनिंग में जो भी रनिंग है वो हम आपको दिखाएंगे। रनिंग के टाइम पे ही जो हल्की फुल्की स्क्रैचेस गाड़ी पे आई है, एज इट इज रहने वाली है। धोखे का कोई काम नहीं करेंगे, जो भी ट्रांसपेरेंसी का काम रहेगा। इंटीरियर पे लेके चलता हूँ दोस्तों सबसे पहले, एक्सटीरियर की बात फिर करेंगे हम। सो दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, डिमांड क्या रहती है। 7 सीटर गाड़ी लेके आओ, आपको पता है, मुझे भी पता है, 7 सीटर गाड़ी में एयर कंडीशनर का प्रावधान नहीं आता है दोस्तों। लेकिन जो ये गाड़ी मैं लेके आया हूँ दोस्तों, इसमें मैं आपको एयर कंडीशनर साथ के साथ दूंगा, एयर कंडीशनर दूंगा, CNG ऑन पेपर गाड़ी दूंगा। लेके चलते हैं इंटीरियर पे। सबसे पहले दिखाएंगे दोस्तों रनिंग क्या है गाड़ी की। ऑन सर्विस रिकॉर्ड अगर आप देख पा रहे होंगे, 67,439 ऑन सर्विस रिकॉर्ड गाड़ी चली हुई है। गाड़ी जो चली है दोस्तों, स्कूल में चली थी, मैं भी क्लियरली पहले ही बता रहा हूँ, गाड़ी स्कूल में चली है। अब सेकंड देखिएगा, एयर कंडीशनर रनिंग कंडीशन में दोस्तों, बिल्कुल चिल्ड कंडीशन में एयर कंडीशनर गाड़ी का रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम इन बिल्ट, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम रहने वाला, 5 मैनुअल गियर के साथ। अगर बात करें दोस्तों डैश की, अच्छा खासा डैशबोर्ड है। अब मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि हमने इस गाड़ी में जो ड्राइवर हमारे पास गाड़ी लेके आए हैं, उनसे हम क्लियरली ट्रांसपेरेंसी से पूछते हैं कि भैया क्या काम गाड़ी में हुआ है और क्या काम कराने की गाड़ी में जरूरत है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों। जो भी है दोस्तों, गाड़ी के ओनर हैं, गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी साथ के साथ अवेलेबल हैं। मैं डायरेक्टली आपकी उन्हीं से बात कराता हूँ। लेके चलते हैं, मिस्टर अनिल हमारे साथ हैं। सो अनिल को हम बोलते हैं कि अनिल जी से पूछते हैं इन्होंने क्या गाड़ी में काम कराया है और क्या अभी काम की जरूरत है। सो अनिल जी बताइएगा प्लीज। नमस्कार जी, अमर जी नमस्कार। मैंने गाड़ी में सिर्फ क्या है, ये थोड़ा जो ऐसे पैर रखते हैं और तो ये जो पैंट घिस जाता है ना, उतर जाता है, ये मैंने रिपेंट करवा है। जैसे यहाँ पे मैंने कंबल जब रहता है तो इसमें पानी पुनी लगता है ना, तो इसमें हो जाता थोड़ा बहुत, ये मैंने इसका पेंट करवा दिया है। पूरा गाड़ी ओरिजिनल है, गाड़ी में कोई कहीं पे भी एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है। और जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने है ना खाली और कुछ नहीं सर्विस कराई है गाड़ी की, बिल्कुल ओके है गाड़ी, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आप इंजन चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लीन है। और जो भी गाड़ी चली हुई है वो ओरिजिनल मीटर में चली हुई है, 67,339 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी में। आप जो भी कोई भाई लेगा वो गाड़ी को याद ही करेगा, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और बीच में मैंने है ना वो टकवा रखा, स्टूल बनवा रखा लोहे का, बहुत बढ़िया स्टूल है, उसमें है ना बच्चे आराम से बैठ जाते हैं,
कहीं मैंने कोई और किसी में नहीं चलाई, बस खाली हुआ इबादत। 10-12 किलोमीटर डेली का आना जाना रहता था मेरा, इससे आगे मेरा कोई आना जाना नहीं रहता है। सो दोस्तों, जैसे गाड़ी के ओनर थे, हमने आपकी उनसे डिस्कस कराई है, जो भी काम कराया भाई ने आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंसी से बताया कि जो काम हुआ है, और जो आप अगर ये प्लेट देख पा रहे होंगे, जो पट्टी देख पा रहे होंगे, जो रनिंग बोर्ड्स को बचाने के लिए है, इस पे हल्का सा ब्लैक कलर का पेंट कराया गया है, इससे ये रबड़ पेंट हुआ है दोस्तों। इससे क्या होता है, जो रनिंग होती है डस्ट लगता है, पानी लगता है, उससे क्या है, जो हमारे रनिंग बोर्ड है वो सेफ रहते हैं। रबड़ पेंट का इस्तेमाल कराया गया भैया ने, क्योंकि बड़े गाड़ी के बड़े शौकीन है। और क्या है, जो ब्लैक कलर व्हाइट कलर के साथ है दोस्तों, वो क्या करता है कि थोड़ा सा गाड़ी की ब्यूटी को इनहेंस कर देता है। अब लेके चलते हैं दोस्तों आपको एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर में क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें टायर्स की, टायर हेल्थ अगर हम देखें तो दोस्तों जो बैक साइड के टायर हैं वो मेरे को कंडीशन देखने को मिल रही है अराउंड राउंड 80%। जो आगे के टायर हैं दोस्तों वो देखने को मिल रहे हैं 70%। कंडीशन बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों। बैक साइड के आप टायर देखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन के, 80% कंडीशन के साथ रहने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे इको की बैजिंग है, HR रजिस्ट्रेशन में 7 सीटर में रहने वाली है। अगर मैं थोड़ा डाउन साइड से दिखाऊं दोस्तों, अगर देख पा रहे होंगे कंडीशन बिल्कुल जेन्युइन रहने वाली है गाड़ी की। एक बार CNG सिलेंडर एक्सेस कराते हैं दोस्तों। अगर जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो CNG सिलेंडर है 12 kg का CNG सिलेंडर इंस्टॉल्ड कराया गया है। जो फिटिंग है, फिटमेंट है CNG सिलेंडर की, वो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन से कराई गई है। सेफ्टी वाइज हर तरह की सेफ्टी को देखते हुए ये गाड़ी इंस्टॉल हुआ है CNG सिलेंडर। अगर बात करें जंग वगैरह की दोस्तों, तो मुझे ज्यादा जंग देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल कंडीशन बेहतरीन रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं, आप स्कूल में चलाना चाहते हैं या पर्सनल यूज में चलाना चाहते हैं, तो बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी रहने वाली है। अभी हम सेकेंडरी साइड से आपको व्यू कराते हैं। जो टायर हेल्थ है वो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 7 सीटर गाड़ी है। जो भाई ने क्या कराया है मैं एक बार वो भी दिखाता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि स्लाइडिंग है बिल्कुल स्मूथली। अभी देखो मैंने गाड़ी छोड़ रखी है, मैं गाड़ी से दूर हूं, फिर भी स्लाइडिंग इतनी स्मूथ है। सो दोस्तों, भाई ने क्या किया है, जैसे गाड़ी को स्कूल यूज में चलाया, भाई ने क्या किया, यहाँ पे स्टूल बनवा रखा है। ये सीट जो फुल्ली कवर्ड है, स्टूल बना रखा है, जैसे कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो दोनों साइड में बैठ सके। मैं इंटीरियर में और दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है सीट उतरने के बाद। जैसे दोस्तों अंदर की कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, वो भी बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी रहने वाली है। बेहतरीन कंडीशन दोस्तों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आप आइएगा, गाड़ी ले पहली नजर में ही पसंद आएगी। और CNG के साथ एयर कंडीशनर के साथ 7 सीटर गाड़ी आ गई है दोस्तों। रिक्वेस्ट फिर करूंगा आपके अपने YouTube चैनल अमर मोटर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, बार बार रिक्वेस्ट रहेगी, दिल से रिक्वेस्ट रहेगी। अब आते हैं दोस्तों प्राइसिंग के ऊपर। जो गाड़ी है 2015 मॉडल, मार्च महीने की गाड़ी रहने वाली है, सेकंड ओनर गाड़ी रहने वाली है, CNG के साथ रहने वाली है, एयर कंडीशनर के साथ रहने वाली है, सेकंड ओनर गाड़ी रहेगी। अगर बात करें प्राइसिंग की, मिनिमल जो भाई की एक्सपेक्टेशन है वो केवल 2,80,000 रुपए डिमांड है गाड़ी की। आप आइएगा, डायरेक्ट भाई से बात करिएगा, जितने में भी गाड़ी मिलती है आप गाड़ी को लेके जाइए, खुशियां ही खुशियां अपने घर पे लेके आइए, स्कूल में चलाइए, पर्सनल यूज में चलाइए। AC के साथ 7 सीटर गाड़ी मिलनी आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। सो वही गाड़ी मैं लेके आ गया हूँ। करना क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जिसको भी आप दिखाना चाहते हो उसको शेयर कर देना। आइए गाड़ी ट्राई लीजिए। मैं एड्रेस भी बता देता हूँ दोस्तों, जो ये गाड़ी अवेलेबल रहने वाली है, नरेला में बना रोड पे अपना अमर मोटर है, वहीं पे अवेलेबल रहेगी गाड़ी। डायरेक्ट डील है, ओनर से डायरेक्ट डील करनी है आपको, डायरेक्ट आइएगा, गाड़ी परचेज करिएगा, खुशियां ही खुशियां।
आपके घर पे आए ऐसी मनोकामना के साथ रिक्वेस्ट करूंगा फिर से अपने आपके अपने YouTube चैनल अमर मोटर को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई गाड़ी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद राम राम।